शशांक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ इस वक्त। क्या कुछ जानकारी शशांक मिल पा रही है अभी, क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार के लिए और दिग्गज आज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज इस दूसरे चरण का चुनाव होना है 14 फरवरी को, तो उसके चुनाव प्रचार का आज लास्ट डे है। तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज है आज शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के ऐसे अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए सत्येंद्र सिंह आ रहे हैं और साथ में कांग्रेस बड़ी पार्टी तीनों पार्टियों के इमरान तेगड़िया आ रहे हैं। ये तीनों बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज है वो ये चाह रहे हैं कि दूसरे चरण का जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टी का हो, उनके लोगों के लिए है। आज 6 विधानसभा के जो प्रत्याशी है वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, उसके साथ सबसे अहम बड़ी बात है कि आज शाम को 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लगातार सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को तेजी से कर चुकी थी, लेकिन चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार रोका जाता है, उसके बाद जो है डोर टू डोर की बात की जाए तो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ी जनसभाएं रैलियां रोड शो इन सब पे पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त आदेश है कि 48 घंटे पहले चुनाव को रोक दिया जाएगा, प्रचार को रोक दिया जाएगा मतदान के लिए। लेकिन वही बड़ी पार्टी के जो नेता है वो यही चाह रहे हैं कि इस बार जो यूपी में सरकार बने वो हमारी बने, इसलिए सारी बूस्टर डोज आज शाहजहांपुर में लगा दी जाएगी। सुशांत, फर्स्ट फेज के मतदान कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, सेकंड फेज को लेकर लोगों का ओपिनियन क्या है अभी? देखिए अगर सेकंड फेज के लेकर अगर ओपिनियन क्या है तो लोग फर्स्ट फेज में के जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी तक काबिज थे, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद लोगों का थोड़ा सा रुख बदला है, बस समाजवादी पार्टी की बात करने लगे हैं, वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो पक्का वोटर है वो भी अभी कहने लगा है कि कहीं ना कहीं अब हमारी सरकार बनेगी। तो अभी आप ये मान सकते हैं अगर हम कहें कि 10 मार्च तक तो सभी के सीएम बन चुके हैं, सभी विधायक बन चुके हैं, फैसला 10 मार्च को ईवीएम से लाएगा। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओमपाल सिंह राजपूत जुड़ गए हैं रामपुर से इस वक्त। ओमपाल, रामपुर में सरगर्मियां तेज हैं क्या इस वक्त? घमासान आजम खान की वजह से, घमासान उस नेता की वजह से जिन्होंने आजम खान जैसे एक बड़े लीडर को इन दिनों सलाखों के पीछे भिजवा दिया है भाजपा के आकाश धनी। घमासान है यहाँ पर कांग्रेस के जो नवाब परिवार के काजी मलिक खान है उनकी वजह से घमासान है यहाँ की अपनी सियासत को लेकर, तो तमाम सारी चीजों को लेकर अब जो रामपुर के वोटर हैं यहाँ की जितने 5 विधानसभाएं हैं और 5ों विधानसभाओं पर जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें वोटर अभी बहुत साइलेंट है और साइलेंट होने का नफा नुकसान अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही ईवीएम में उनका वोट कैद होगा और उसके बाद जब वोटों की गिनती होगी तो उसके बाद तमाम सारी चीजें तमाम सारे पत्ते खुलकर साथ में आ जाएंगे कि किसके पास वो तुरप का इक्का था, किसके पास तुरप की दुग्गी ने काम कर दिया, क्योंकि तमाम सारी चीजों को लेकर अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के तमाम डिप्टी जो सीएम हैं वो लगातार यहाँ पर आकर कई बार जादू चलाने आए, लेकिन रामपुर में उनका जादू नहीं चला, ना जादू योगी मोदी के पीरियड में नहीं चला, ना अब जादू चला, लेकिन अभी के चुनाव में देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कितना जादू चलता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक लंबे समय से देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बातें कहीं की करें लेकिन जब वोट देने का नंबर आता है तो आप समझिए कि सारे के सारे लोग वोट आजम खान के पाले में करते हैं, ठीक है। उनके बेटे को विधायक बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, खुद सांसद है, एक राजनीति बड़ा रसूख परिवार अगर है तो रामपुर में आजम खान। चलिए बहुत शुक्रिया ओमपाल आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सुशांत शुक्ला आपका बहुत शुक्रिया जानकारी।